नमस्कार, मैं चेतना, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तो देखिए, गार्डन में सब तरह के फूल लगे हैं, फूलों का सीज़न चल रहा है। अगर आपके घर में भी गार्डन है तो उसमें भी फूल आ रहे होंगे, और मैं आज आपको फूलों की ही रेसिपी बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अपने बगीचे से मीठा नीम और हरी प्याज की पत्ती तोड़ के रखी है। ये तो मैं दूसरे काम में लूँगी, लेकिन आज हम फूलों की रेसिपी बनाएंगे, और फूल है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल अगर आपके गार्डन में लगे हैं तो आप कम से कम 15 फूल में ही बहुत अच्छा गुलाब जल बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे घर में गुलाब जल। तो थोड़े से गुलाब हम तोड़ लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर ही गुलाब के शरबत की रेसिपी आपको अभी शेयर करी थी। तो गुलाब के शरबत की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। गुलाब शहद और किशमिश से बना बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत टेस्टी बनता है और इसमें मैंने बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं किया। तो चलिए बनाते हैं अब गुलाब जल। तो शरबत की रेसिपी मैं आपको चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, अब हम बना रहे हैं गुलाब जल। तो इसके लिए मैंने 15 से 20 गुलाब तोड़ लिए थे, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर बिल्कुल फ्रेश गुलाब हैं, जो ताज़े खिले हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं आप, और जो थोड़े से एक दिन पुराने हो जाते हैं पेड़ में और उसकी पत्ती इस तरह से अपने आप झड़ने लगती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी फ्रेश ही है, बस इसको धो लीजिए अच्छे से और इससे आप गुलाब जल बना सकते हैं। बस पत्ती वैसे ख़राब नहीं होना चाहिए, पर हल्की सी मुरझा जाए तो कोई बात नहीं है। तो हम इस तरह से पत्ती निकाल लेंगे। मैं आपको भी बताऊंगी किस तरह से इसकी पेटल्स हमें अलग करनी है। तो जितनी भी पंखुड़ी हैं उनको आप गुलाब की अलग कर लीजिए। तो देखिए, कोई भी गुलाब है उसको धो के साफ़ कर लीजिए आप, और उसकी पेटल्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं करीब 15 गुलाब हम यूज़ करेंगे और उसकी पेटल्स निकाल के रख लेंगे। और एक बर्तन लेंगे साफ़ सुथरा, बिल्कुल कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप, स्टील का या नॉन स्टिक, पर बिल्कुल साफ़ रखिए। और उसमें मैं ये पत्ती ऐड कर रही हूँ, जितनी भी पंखुड़ी हमने निकाली थी। और अब हम एक इस तरह की कटोरी का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बताऊंगी आपको किस तरह से इस कटोरी को हमें इसमें रखना है बर्तन के अंदर। साइड में कर देंगे हम पेटल्स को, और सेंटर में इस तरह से इस कटोरी को रख देंगे ऐसे उल्टा करके। और अब हम इस पर रखेंगे एक प्लेट जिसमें गुलाब जल बनके तैयार होगा। तो इस तरह से पहले सभी पेटल्स बर्तन में सेट कर लीजिए, और ये दोनों कटोरी और जो गुलाब जल की प्लेट है उसे सेट कर दीजिए। उसके बाद मैं 400 ml पानी इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से ऐड कर रही हूँ मैं, सिंपल पानी लिया है हमने। और अब हम इसे गैस पर रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब हम ढकने के लिए जो भी लीड यूज़ करेंगे उसका ये होल बंद कर देंगे। तो लीड को हमें उल्टा रखना है गुलाब जल के बर्तन पे, और इसका होल आप अगर आटे से बंद कर रहे हैं तो उल्टी तरफ से ही आटा लगाइए। मैंने माचिस की तिली के लकड़ी के दो टुकड़े ले लिए हैं, बारूद का पोर्शन मत लीजिए आप, लकड़ी के जो पीछे टुकड़े होते हैं उसे ले लीजिए, और उसको इस तरह से होल में प्रेस कर दीजिए। तो ये इसमें स्टीम बहुत अच्छी बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब जल बन जाएगा। आटे से भी बंद कर सकते हैं और इस तरह से भी। अब हम इसको लीड को इस तरह से उल्टा रख देंगे। तो उल्टा रखने का कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम अंदर गुलाब जल बन के जा सके। और इस पर रखेंगे हम बर्फ़, आप चाहें तो क्यूब्स भी रख सकते हैं। मेरे पे इस तरह की बर्फ़ जमी हुई रखी थी इसलिए मैंने यूज़ कर ली है। और देखिए, बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी। गैस को हमें मीडियम हाई रखना है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा तेज। तो बहुत अच्छे से स्टीम बनती है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से डायरेक्ट उस प्लेट में जा रही है और ये गुलाब जल तैयार हो रहा है। हमने बर्फ़ इसीलिए रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम पिघल कर उसमें जा सके गुलाब जल वाले बर्तन में।
तो ऐसे गुलाब जल इकट्ठा हो जाएगा। हमने पेटल्स यूज़ करी हैं, उनका जो फ्लेवर है वो पूरा स्टीम के जरिए प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा। और ये देखिए गुलाब जल बनता जा रहा है, बर्फ़ पिघलती जा रही है, और ये इसमें लगते हैं करीब 20 से 25 मिनट। तो देखिए बर्फ़ बिल्कुल पिघल चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गुलाब जल बन चुका है तो गैस को बंद कर देते हैं, 20 मिनट में ये इजीली बन जाता है। और अब हम इसकी लिड हटा देंगे। तो देखिए गुलाब जल बन के तैयार है, कितना सारा बन गया, ये करीब 200 ml बना होगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा गुलाब जल बनता है और आप इसको किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था, ये अभी इस समय बिल्कुल ठंडा है। अब हम इसको भरेंगे एक कांच के बर्तन में, कोई भी साफ़ शीशी में भर सकते हैं आप, तो इसको अलग रख देते हैं। और जो ये कलर वाला पानी है पत्ती का, इसका भी मैं यूज़ बताऊँगी आपको किस तरह से इसको छान के रखना है। और आप चाहें तो इसको स्किन पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, जैसा भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया रहता है। और साफ़ सुथरी तरीके से हमने गुलाब जल बनाया था तो इसको हम अलग से छान लेंगे। तो जो कलर वाला पानी है वो अलग हो जाएगा, और इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और जो भी यूज़ करते हैं आप गुलाब के पेटल्स के कलर का, वो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल पानी है, तो इसको भी आप एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए फ्रिज में और मनचाहा यूज़ करिए। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इजीली घर में बना सकते हैं। अगर आपके गार्डन में 15-20 फूल लगे हैं तो आपको 200 ml गुलाब जल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक कांच के ग्लास में भी आपको निकाल के दिखाया है, बिल्कुल करेक्ट 200 ml बचा है, बल्कि 2-3 चम्मच ऊपर बच गया है। अभी ये बिल्कुल ठंडा है, हम इसको साफ़ सुथरे जार में भर के 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आपको बाहर रखना है तो आराम से 1 महीने ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे भी आप इसे 1 महीने यूज़ कर सकते हैं। तो जब मन चाहे गुलाब के फूल से गुलाब जल तैयार करिए, और अपना मन पसंद उसका जो भी यूज़ करते हैं आप, मिठाई में, स्किन पर, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसमें यूज़ करिए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी है और हेल्दी भी है, और इसमें कोई केमिकल नहीं है। हमने कलर भी यूज़ नहीं किया है, जो कलर वाला पानी है उसमें हमने कलर यूज़ नहीं किया है, और गुलाब जल भी बिल्कुल शुद्ध है। तो एक बार ज़रूर बनाइए, आप भी बनाइए और सबको सिखाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।